हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे थे हम। ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार या वर्ग 16 हो गया। चलिए इसमें देखिए, पहले पार्ट में हमने कुछ पॉइंट कर लिए थे। चलिए अब आगे करते कुछ पॉइंट हेडिंग डाली। अगली हेडिंग है हमारी संयोजकता। हेडिंग क्या है? संयोजकता। ठीक संयोजकता, ठीक है। संयोजकता लिखिए इसमें। संयोजकता में क्या है? देखिए, ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2, 2s2, 2p4, मूल अवस्था 2s2 और 2p4 बाह्यकोष में है ना, इसीलिए एक और यहाँ पे तीन, दो इलेक्ट्रॉन, इसमें तीन कक्षाएं होती है ना, एक दो तीन चार। खाली कक्षक है नहीं तो उत्तेजित अवस्था होगी नहीं, उत्तेजित अवस्था होगी नहीं तो संयोजकता किस कितनी है इसकी? संयोजकता कितनी है? दो। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी संयोजकता। सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 इसमें लगाओ। मूल अवस्था इसमें ये है संयोजी कोष 3s2, एक 3p4, तीन, एक दो तीन चार। हम तीसरी कक्षा में आ चुके हैं, 3d भी होगा लेकिन खाली है, 3d 0 है। एक दो तीन चार पांच। तो अगर हमें पहली उत्तेजित एक्साइटेड अवस्था की बात करूं तो क्या होगा? देखिए, 3s2 का है, 3p4 है और 3d है। एक दो तीन चार पांच हो गया, दो एक एक। अब देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अधिक पास में है ना, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होगा और यहाँ पहुंच जाएगा, तो 3p3, 3d1 हो गया। तो अब संयोजकता बताओ कितनी है? देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार, पहले कितने थे? दो। तो पहली कंडीशन में, पहली कंडीशन के लिए दो है, फिर कितनी हो गए? चार। और देखिए, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाए तो उसको बोलेंगे दूसरी उत्तेजित अवस्था। क्या होगा? देखिए, 3s2 है, 3p3 है, 3d1 है, एक तीन, ठीक है, और डी में एक दो तीन चार पांच। एक यहां था, तीन यहां थे और दो यहां थे ना, तो यहां वाला उत्तेजित हो जाएगा, वन वो यहां पहुंच जाएगा। चेक करो, एक दो तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो छह हो गई। दो होती, चार होती, छह होती है संयोजकता इनकी। और
ये चार वाली अधिक होती है, ये अधिक होती है चार वाली, ठीक है, चार वाली अधिक होती है और छह वाली कम होती है। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाएंगे तो चार वाली तो ठीक है लेकिन छह वाली जो है ये कम हो जाती है, अब ये नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है, मैंने आपको पीछे बताया था इससे पहले वाले में, अक्रिय युग्म प्रभाव, जहां पे अक्रिय युग्म प्रभाव बताया था वहां पे देख लेना था फिर से। तो यहां पे अक्रिय युग्म प्रभाव कार्य करने लगता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित नहीं हो पाते आगे के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सल्फर में हो जाएगा, सेल्यूरियम टेल्यूरियम में काम थोड़ा कम इफेक्ट काम करेगा, लेकिन जितना हम नीचे आते जाएंगे उतना ज्यादा है वहां पे अक्रिय युग्म, या कह सकते हैं टेल्यूरियम पर सबसे ज्यादा काम करेगा, पोलोनियम पर और काम करेगा। तो यहाँ पे जो है अक्रिय युग्म क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं sp(d)f कक्षक के, वो अपने से पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि s फिर p आएगा, तो s कक्षक के इलेक्ट्रॉन p कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाले नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को रोकते हैं, ढकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अक्रिय युग्म प्रभाव काम करने लगता है, ठीक है ना। शील्डिंग इफेक्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो लिखिए इसमें वैलेंसी में लिखिए, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता दो है, सामान्य संयोजकता दो है। ऑक्सीजन को छोड़कर, इसके पास में खाली कक्षक नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व चार तथा छह संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में, नई लाइन से, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता चार, संयोजकता चार होने की क्षमता बढ़ती है, परंतु संयोजकता छह होने की क्षमता घटती है। क्योंकि क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव कार्य करने लगता है, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव कार्य करने लगता है। हो गया, अगले डालिए ऑक्सीकरण संख्या, बना लेना ये पूरा, ठीक है ना, संयुक्ता में तो रेडी डालना ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हो गया, क्लियर। चलिए देखिए, देखिए अगर मैं अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं तो वो +6 होगी। जितनी उत्तेजित अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या, जितनी उत्तेजित अवस्था में होगी वो हमेशा प्लस में होगी। तो देखो, पहली उत्तेजित अवस्था में चार थी, फिर दूसरी उत्तेजित अवस्था में छह थी, और छह से ऊपर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो नहीं सकती, ये पॉइंट याद रखना, छह से ऊपर हो नहीं सकती। जितने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ऊपर उसकी संयोजकता कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती। इसके लास्ट सेल में छह इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या +6 से ऊपर नहीं हो सकती। अब न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, मतलब सबसे कम कितनी होगी, तो सबसे कम के लिए याद रखना n-8। इन का मान, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, अंतिम कोश में देख लो, चार दो
माइनस आठ, तो कितना हुआ माइनस दो, मतलब न्यूनतम जो है माइनस दो है, अधिकतम छह है, तो कितनी बनेगी माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह, इनमें से कुछ भी हो सकती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम की ऑक्सीजन संख्या। जैसे कि ऑक्सीजन माइनस दो माइनस एक, ऑक्साइड है तो माइनस दो, पर ऑक्साइड है तो माइनस एक, स्वतंत्र मुक्त है तो जीरो, पता है ना। सल्फर प्लस छः प्लस चार प्लस दो माइनस दो, ये दिखाता है ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या हो रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, प्लस चार की घटना बढ़ेगी और प्लस छः की घटना घटेगी। क्यों, देखो प्लस छः के लिए इलेक्ट्रॉन का, एस वाले इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला था, नाभिक का एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल अच्छा रहता है, और फिर यहां पर जो है शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा, तो यहां पे जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो एस वाले पे बहुत अच्छा काम करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जैसे कि एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पीछे आने वाले पी इलेक्ट्रॉनों को तो रोक लेंगे आकर्षण बल लगने से, लेकिन स्वयं पे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वयं के आगे कौन कौन आएगा, एफ डी या पी, ये पी आएगा तो पी इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, तो एस तो रोकेगा अपने पीछे वाले पे, लेकिन एस पे कौन रोकेगा, क्योंकि उसके आगे जो है वो दुर्बल है, बेकार है, जो शील्डिंग इफेक्ट कर डालता है। तो यहां पे जो है अब छह ऑक्सीकरण संख्या तभी देगा जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, तो यहां से उत्तेजित होने के लिए एस कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होना चाहिए, लेकिन वहां पे अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऐसा होने में समस्या होती है, तो प्लस चार वाली घटना बढ़ती है और प्लस छह वाली घटना कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्लस चार की जो घटना है वो क्षमता है, या प्लस चार ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और प्लस छह ऑक्सीकरण संख्या घटती है। क्यों, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव कार्य करता है। तो लिखिए ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो से प्लस छह तक होती है, माइनस दो से प्लस छह तक होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्लस चार ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, प्लस चार ऑक्सीकरण संख्या होने की घटना बढ़ती है, परंतु प्लस छह ऑक्सीकरण संख्या होने की घटना घटती है, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव कार्य करता है, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव कार्य करता है। हो गया, चलिए आगे देखिए, इसको नोट कर लेना है, इसमें भी संयोजकता में यही नोट करना है और ऑक्सीजन संख्या में भी यही नोट करना है, बाकी आगे के आप दिखा लेना खुद, आगे के जितना आप नीचे जाओगे ये कम हो जाता है, ये होता नहीं सल्फर में और सेलुरियम में अच्छे होता है, फिर टेलुरियम में थोड़ा कम हो जाता है, फिर ये शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा दिखा नहीं पाता है उत्तेजित वाला, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग है आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी या कह सकते हो आयनन विभव, ठीक है ना। तो आयनन ऊर्जा मैंने क्या बताया था, वर्ग में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपने ओ को उस दिन एक बताया था, जेड एफ प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश व्युत्क्रमानुपाती होता है
परमाणु आकार के, बाकी सबके साथ में इसकी दोस्ती होती है, जैसे कि ZF समानुपाती आयनन ऊर्जा, ZF समानुपाती विद्युत ऋणात्मकता, इसके केवल व्युत्क्रमानुपाती होगी, बाकी सबके समानुपाती होगी। तो बस यहीं से पॉइंट उठा लीजिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर ये बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेंगे, अगर ये घटेगा तो ये सब भी घटेंगे। तो अब देखिए यहां पर आयनन ऊर्जा में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आप लगाते हैं, जितनी ऊर्जा लगाते हैं, देखो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 युग्मित हैं, 2 अयुग्मित हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो इसका गैसीय अवस्था में होना अनिवार्य है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, नाभिक के पास में है, न्यूक्लियस नाभिक अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल अधिक डालेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, आकार छोटा है। सल्फर 3 कक्षा है, 6 इलेक्ट्रॉन, हो गया। नाभिक का अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल इससे थोड़ा कम हुआ, इससे थोड़ा कम हुआ मतलब क्योंकि साइज बढ़ गया। अब जब साइज बढ़ रहा है तो आकर्षण बल कम हो रहा है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो रहा है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो रहा है मतलब आयनन ऊर्जा भी कम होगी। तो क्या लिखोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, तो क्रम क्या होगा, ओ फिर SSe TePO पोलोनियम, ठीक है ना, ये क्रम रहेगा, घटता क्रम है, घटता क्रम। हो गया, घटता क्रम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ठीक है ना, क्या आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा। तो लिखिए फटाफट, इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि 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 आकार क्योंकि आकार बढ़ने पर क्योंकि आकार बढ़ने पर नाभिक का संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसलिए आयनन ऊर्जा का मान घटता है। ये क्रम बना दो फटाफट उसके नीचे, ठीक है ना, ये क्रम बना दो उसके नीचे, हो गया। आगे देखिए, अगली हेडिंग है
विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, ये लिखा एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन फ्लोरीन का है इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, एफ। हाइड्रोजन की कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है विद्युत ऋणात्मकता। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर आंशिक रूप से रहेंगे, तो माइनस और प्लस रहेगा, क्योंकि दे रहा है प्लस, ले रहा है माइनस। अब सबसे जरूरी बात, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन के बाह्य कोष में चला गया, संयोजी कोष में चला गया, ना, केवल खींचा है। मतलब ऐसा माना जाता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन की ओर ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे। जैसे कि यहां पे देखिए, एक हाइड्रोजन का है, एक फ्लोरीन का है, ये लेगा और ये लेगा, ये इतना पड़ी ना आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लोरीन की ओर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन की ओर कम होगा, बस इतना होता है। इसके अंदर जाते नहीं है फ्लोरीन के बाह्य कोष में, समझे। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा रहे, केवल उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो देखिए, जो ZF है वो विद्युत ऋणात्मकता के समानुपाती है, लेकिन साइज परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। ये पता है, साइज बढ़ेगा तो ये घटेगा, और जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब देखिए, साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल कम लग रहा होगा। आकर्षण बल कम लग रहा है होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है, क्योंकि मेटल का गुण आ रहा है। तो वहां पर विद्युत धनात्मकता बढ़ रही है, कॉमन सा पॉइंट है। और जब विद्युत धनात्मकता बढ़ रही है तो यह घट रही होगी, यानी कि ZF का मान, साइज बढ़ने पर ZF का मान क्या होता है, कम होता है। जब ZF का मान कम होता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम होगा, सिंपल सी बात है। चलिए लिखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ने के साथ नाभिक का संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्रम बना लो, नोट कर लो इसको फटाफट, इसके नीचे इस क्रम को। ओके, धन्यवाद।